আমি ববিতা নন্দী। গত মে মাস থেকে আমার পায়ের পাতা ঝিমঝিম এবং ব্যথা অনুভব করি। তারপর আমি সুগার টেস্ট করাই এবং সুগার টেস্ট করানোর পর আমার হাই সুগার ধরা পড়ে। তারপর আমি ডক্টর ডি সাহার সাথে যোগাযোগ করি। ডাক্তারবাবু ব্যস্ত সময়ের মধ্যে করোনার বিধিনিষেধ নিয়ম মেনে আমাকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুযোগ করে দিয়েছেন। ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় এখন আমি সুস্থ আছি এবং সুস্থ থাকার চেষ্টা করছি। হ্যালো, নমস্তে। মানে রঞ্জিতা সাউ আসানসোলকে রহনে বালি হুম। মানে পিছলে চার সালো সে ডায়াবেটিস কি পেশেন্ট রহি হুম। ও মেরা মতলব বহুত হি জ্যাদা হাই লিভার মেরা বহুত হাই রহতা হ্যায় ডায়াবেটিস কা। মিনিমাম 300 से 400 হমেশা রহতা থা। তো মানে পহলে ডাক্টর সে কনসাল্ট কি থি तो मेडिसिन ले रही थी, फिर भी मेरा कोई इम्प्रूवमेंट वैसा हो नहीं रहा था। वैसा ही हाई ही मेरा शुगर रहता था, हमेशा मेरा तबीयत ख़राब ही रहता था। इधर कुछ महीनों से मतलब मेरी तबीयत अधिकतर मेरा ख़राब ही रहता था। बहुत जल्दी थकान महसूस होती थी, बहुत सुस्ती जैसी लगती थी और तबीयत हमेशा मतलब अच्छा नहीं लगता था, शरीर मेरा साथ नहीं देता था। फिर एक मंथ पहले ही मुझे अपने भाई के थ्रू डॉक्टर डी साहब का बारे में पता चला, जो वो ये सेंट्रल मॉल के बेसमेंट है, उनका चैम्बर है। तो फिर मैं गई, उनसे अपॉइंटमेंट ली, वहाँ गई मैं डॉक्टर साहब से मिली। तो वो काफ़ी अच्छे से मेरा हर चीज़ के बारे में, मेरा पास्ट के बारे में जानकारी, डायबिटीज़ के पास्ट के बारे में जानकारी लिए और मुझे फिर उन्हीं से मैं अभी इलाज करवा रही हूँ अपना। और उनसे मतलब बहुत अभी मेरा शुगर बहुत ही नॉर्मल हो गया है और वो बहुत अच्छे तरीके से मेरा ट्रीटमेंट किए, एकदम बिल्कुल पर्सनली, जैसे बोलते हैं किसी का करना वैसे ही डॉक्टर साहब ने मेरा पर्सनली ट्रीटमेंट किया। हर पेशेंट के साथ वो ऐसे ही करते हैं। फिर डाइट तरह मैं रूल फॉलो जो बताते गए मैं वैसा रूल फॉलो कर रही हूँ। टाइमली नाश्ता लंच जो भी बोलते खाने में वही खाती हूँ और फिर उन्हीं का मेडिसिन खा रही हूँ। तो अभी मेरा शुगर मेरा अभी बहुत कम है। वेट भी मेरा थोड़ा उनके डाइट की वजह से मेरा वेट भी थोड़ा कम हुआ है और आगे भी कोशिश करूँगी कि वेट मेरा जल्दी कम हो जाए जिससे मुझे मेडिसिन की कम ज़रूरत पड़े। तो वो डॉक्टर डी साहब बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे उनकी पर्सनालिटी भी है और बहुत पेशेंट के साथ बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छे इंसान भी है और बहुत अच्छे तरीके से पर्सनली आपको कॉल करके पूछते भी है कि हाँ तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। हमेशा मैसेज में बात होती रहती है, मैसेज में हमेशा पूछते रहते हैं अपने पेशेंट के बारे में। तो उनका बहुत अच्छे वो डॉक्टर है, बहुत अच्छे इंसान हैं। इसके अगर किसी को भी वैसा डायबिटीज़ हो तो प्लीज़ डॉक्टर डी साहब से कंसल्ट कीजिए, आपके बहुत जल्दी अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगी। थैंक यू सर, आपने मेरा इलाज किया, इसके लिए बहुत थैंक यू। नमस्ते।